नंद भवन, ये देखिए यशोदा मैया और नंद भवन, नंद जी का नंद भवन। अब तो इसकी जर्जर हालत हो चुकी है। 84 खंभों के पास में ही जो है नंद भवन, 84 खंभे है ना सामने खड़े हैं, और उनको काउंट करो तो कभी पूरे नहीं होते। गिनती करके आप नंद भवन में अब हम पहुंचे हैं। 84 खंभे देखिए इस साइड पे जो है प्रसाद की और सामान की दुकानें लगी हुई है। चौरासी खंभे ये है कृष्ण भगवान का प्राचीन जन्म स्थान। ये यहाँ पे चढ़ाई है 84 खंभे मंदिर जाने की। क्या है 84 खंभों का रहस्य मेरे इस वीडियो में आप देखोगे। ये देखिए प्राचीन मूर्तियाँ, क्यों इस जगह का नाम 84 खंभे पड़े वो भी जानिएगा मेरे इस वीडियो के अंदर। देखिए मोरों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी क्योंकि कृष्ण भगवान की नगरी में हम घूम रहे हैं। ये कृष्ण भगवान की जन्मस्थली गौ माता, ये देखिए कच्चे मकान, ये गौ माता, ये देखिए पूरा कच्चा मकान। ये यहाँ पे पूतना मोक्ष, जहाँ पे पूतना को मोक्ष मिला था। पूतना की कहानी तो आप सबको पता होगी कि पूतना श्री कृष्ण भगवान को मारने के लिए आई थी अपना दूध पिला के, लेकिन कृष्ण भगवान ने उनको मोक्ष प्राप्त करवा दिया। सभी जगह तो प्यारी प्यारी गौएं आपको मिलेगी रास्ते में। इस रास्ते किस रास्ते 84 खंभे ₹400 जी एक दिन का, मैंने 2 दिन के लिए किया जी, 2 दिन के लिए जी, क्योंकि फिर मैं सामान का हरप के आता जी, बैग कमरे में ही आना मेरे तो। यहाँ पे लोग जो है अपनी गऊ को रखते हैं बांध के और प्रसाद वो हरा वगैरह और पास में रखते हैं। आप अगर चाहो तो यहाँ पे उनको खिला सकते हो। ये महादेव जी का मंदिर बना हुआ है यहाँ पे, ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। रास्ते में ये सारे मंदिर आते हैं, हम आपको दिखा के ला रहे हैं 84 खंभे। बहुत ही पवित्र और प्रसिद्ध जगह है वो, और क्या है उसका राज, क्यों उस जगह का नाम 84 खंभे रखा गया है। ये देखिए नव दुर्गा मंदिर, पाताल देवी, ये देखिए यहाँ पे अंदर जाके वो मंदिर है पाताल देवी का। उधर से भी आ सकते हैं, बंदरों का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। एक माला ले लो, माला आगे नहीं मिलेगी ठाकुर जी को, फूल ले लो। लोगों ने अपने अपने नाम के परिवार के नाम के एक माला ले जाओ भैया। ये देखिए लोगों ने जो है अपने पूरे परिवार की नाम की जो लिस्ट है अपने यहाँ पे पाँव में लिख रखी है, ताकि जो भी लोग जाए पहुँचाना पहुँचा तो उनके पाँव के अंदर से भगवान की धूल जो है, जहाँ पे भगवान का जन्म हुआ है श्री कृष्ण भगवान का, वो धूल जो है इनके
नाम के ऊपर से निकले तो ये धन्य हो जाती है। देखिए सारी जगह देखेंगे, पूरे 84 खंबे है ना सामने खड़े हैं और उनको काउंट करो तो कभी पूरे नहीं होते, उनको आगे को गिनती करके आते हैं। ये 84 खंबे पूरे, लेकिन ये 84 खंबे खंबे अभी मैंने आपको वीडियो में दिखाए थे। ये यहाँ से पूरी परिक्रमा की जाती है, कोई नहीं उसका बेटा देना पड़ेगा। ये इधर किस चीज का मंदिर है वो जाके आए हो आप? हाँ हाँ ये देखिए यशोदा भवन, चौरासी खंभों के अंदर ही यशोदा भवन है, ये है यशोदा भवन। नहीं ले सकते, चौरासी खंभों के बाहर जो है यहाँ पे गौशाला बनाई हुई है, ये देखिए शेड बनाया हुआ है यहाँ पे, उधर पशु का चारे हरे वगैरह खाने की जगह बनाई हुई है, ठाण बनाए हुए हैं, ये देखिए। और इसके पीछे आप वहाँ देख पा रहे हो कि वो आश्रम बनाया हुआ है। हर शिला पे जो देखोगे हम गुदवा के अपनी
अपनी सिलाएं लगवा रखी है, ये देखिए हर सिला पे नाम है। ये श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है ये, और यहाँ की मिट्टी जो है सबसे पवित्र है। तो उनका बहुत ही अच्छा विचार था कि अगर हम यहाँ पे हमारा नाम गुदवाएंगे तो हर कोई इंसान जो है हमारे ऊपर से निकलेगा तो हम स्वर्ग को प्राप्त होंगे और हमारी ज़िंदगी का सुधार होगा। ये देखिए पवित्र मिट्टी जो है हरदम हमारे ऊपर से निकलती रहेगी। किसी भी शिला पे देख लीजिए, हर शिला पे जो है नाम गुदवाए हुए हैं।